2020 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2020 का मॉडल, ये जो है आपका 20 है। और ये गाड़ी पुश बटन है, ठीक है, ये इसकी चाबी हो गई और ये मेरा पुश बटन है। तो सबसे प्रॉब्लम क्या होता है कि इसका जो DLC कनेक्टर है, ये वाला, ये 16 पिन कनेक्टर, अगर आप इसके थ्रू कोई भी स्कैनिंग करेंगे तो आपको फॉल्ट कोड तो दिख जाएगा लेकिन फॉल्ट कोड क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका जो गेटवे मॉड्यूल होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, गेटवे मॉड्यूल है वो आपको बाईपास करना पड़ेगा। तो वो जो बाईपास करने का केबल होता है, ये 12+8 पिन का केबल, और ये देखिए गेटवे मॉड्यूल का लोकेशन है, ठीक है। ये कपलर जो, ये आपका हो जाएगा मेन 16 पिन लिए से, और ये 2 कपलर हो जाएगा। जो गेटवे मॉड्यूल का लोकेशन है आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है अंदर में, ठीक है, वो इसका गेटवे मॉड्यूल हो गया, जो एग्जैक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला जो हो गया, ये वाला, ये इसका गेटवे मॉड्यूल है, उसी में से आपको ये 2 कपलर निकलता है, ये दोनों सेपलेट 12+8 का ये रहता है, ठीक है, उसमें ये लग के फिर ये 16 पिन DLC कनेक्टर लगता है, फिर आपका जाके स्कैनर लगेगा, तो इसमें यह लाइट आएगा, देखिए लाइट आ रहा है। इससे नहीं होगा, ये आपको ऐसे बाईपास करना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ से चाबी ऑन करेंगे। चाबी ऑन करने के बाद ये देखिए सारी लाइटें आ रही है, बट इसमें फॉल्ट कुछ है वो डायग्नोस करेंगे। अब अपने स्कैनर पे चलते हैं, ये हमारा स्कैनर हो गया, ठीक है, जिसमें हमने नेट कनेक्ट करके रखा है। इसके सबसे पहले ही अपना आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, यहाँ से लोकल डायग्नोसिस में जाएंगे। ये हमारा अमेरिकन ब्रांड होता है जीप कंपास, जीप पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। आपको नेट कनेक्ट करके रखना पड़ेगा क्योंकि ये ऑनलाइन फंक्शन है, ठीक है, तभी जाके ये सारा काम होता है। यहाँ से 16 पिन पे क्लिक करेंगे, जीप पे जाएंगे, 2020 पे जाएंगे और यहाँ पे इंडिया पे क्लिक करेंगे। अब कह रहा है इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ओके, लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद ओके करेंगे, फिर से ओके करेंगे, अब यहाँ पे देखिए यस पे क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे, फिर से यस पे क्लिक करेंगे, ये हमारा सारा कुछ डेटा डाउनलोड होगा ऑनलाइन। अब हमारा यहाँ पे पूरा सिस्टम लिस्ट आ गया, हम यहाँ पर सीधा सिस्टम लिस्ट में जाके स्मार्ट डिटेक्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये सारा डायग्नोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। जो ग्रीन आएगा वो क्लियर है, हमारा PC में 2 फॉल्ट आ रहा है। ये टोपोलॉजी में आप क्लियर देख सकते हैं, कैन लो कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ, कैन हाई कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ पे, और कैन हाई कम्युनिकेशन 2 कहाँ कहाँ पे। तो अभी हमारा BCM में 2 आ रहा है, PCM में 2 आ रहा है, और मीटर में 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, एक ESL में आ रहा है, HVAC में 1 आ रहा है। तो हमारा इस तरीके से फॉल्ट रीड क्लियर हो गया। अब यहाँ से रिपोर्ट पर क्लिक करके ओके करेंगे। अब यहाँ पर हम फॉल्ट सेव करते हैं, सेव करने के बाद देखिए एक्टिंग में क्या क्या आ रहा है, कैबिनेट टेम्परेचर सेंसर, और एक आ रहा है सिस्टम फ्यूल सिस्टम लीन, सिग्नल इनकरेक्ट आफ्टर इवेंट। यहाँ से सेव करके यहाँ से जाएंगे बैक, और यहाँ से क्लियर DTC पे क्लिक करेंगे और यस पे क्लिक करेंगे, फिर से ओके पे क्लिक करेंगे।
ECM का फुल क्लियर हो गया, BCM का भी क्लियर हो गया, ऐसे IPC मीटर का भी क्लियर हो गया, ESL का भी क्लियर हो गया, HVAC का, तो ये सारा फॉल क्लियर हो गया। अब यहाँ से सारा ग्रीन हो गया। अब यहाँ पे रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, वापस से ओके करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी था सब ओके हो गया, हॉट रेट और इसमें ब्रेड कोई भी नहीं है। तो ये अब तो यहाँ से सेव कर लेंगे, फिर से यहाँ से बैक जाएंगे और एक बार ऐसे भी करके दिखा देते हैं आपको। चूँकि देखिए पूरा नॉर्मल हो गया, एक बार वापस से बैक जाके फिर से एक बार हेल्थ रिपोर्ट निकाल देते हैं सिस्टम ऑन डिटेक्शन में, और यहाँ पे सारा ग्रीन दिखाएगा आपको कि PCM नॉर्मल हो गया, जबकि पहले दो फॉल्ट आ रहा था PCM में। TCM भी नॉर्मल, BCM भी नॉर्मल, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर IPC भी नॉर्मल। सारा ग्रीन आ रहा है, कोई भी रेड नहीं है। अभी एक HVAC का आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है एक्टिव में, कैबिन टेम्परेचर सेंसर शॉर्ट सर्किट टू बैटरी ओपन। यहाँ पे हमारा सेंसर का ये निकला हुआ है, शायद इसका आ रहा है। बाकी जो हमारा मेन था जो PCM के अंदर पावर कंट्रोल मॉड्यूल ECM के अंदर, वो चला गया, BCM वाला भी चला गया। ठीक है दोस्तों, अब हम एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं, क्योंकि जो फॉल्ट कोड पहले आ रहा था वो काफ़ी अलग अलग तरीके का आ रहा था और क्लियर नहीं हो रहा था, क्योंकि हम जो कनेक्ट कर रहे थे स्कैनर वो यहाँ पर कनेक्ट कर रहे थे। तो ये जनरल OBD कनेक्टर है जिससे आप फॉल्ट रीड तो कर सकते हैं बट क्लियर नहीं कर सकते और कोई काम नहीं कर सकते। आपको क्लियर करने के लिए और काम करने के लिए आपको यही बाईपास केबल लगाना पड़ेगा, तभी जाके होगा। ये जो है आपका केबल है, इसको 12+16 DLC कनेक्टर केबल बोलते हैं। इसमें हमारा स्कैनर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। देखिए अभी सारी लाइटें चली गई, क्योंकि हमारा डिक्की खुला हुआ इसलिए डिक्की का लाइट आ रही है, ये सीट बेल्ट का और ये पार्किंग ब्रेक का। बाकी जो भी फॉल कोड दिख रहे थे ये अच्छे किन्या लाइट आ रहा था, वो क्लियर हो गया। और ये क्लियर होने का कारण यही है कि हमने इसको जो SGW बोलते हैं सिक्योरिटी गेटवे मॉड्यूल, उसको बाईपास किया है, तभी जाके क्लियर होगा। अदरवाइज अगर आप बाईपास नहीं करेंगे तो सिक्योरिटी गेटवे मॉड्यूल क्लियर नहीं होगा, तो फॉल्ट कोड क्लियर नहीं होगा और आप कोई काम भी नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा तरीका है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये जीप कंपास 2019, 2020, 2021, 2022 की गाड़ियों में आपको ये करना पड़ेगा, अदरवाइज आप काम नहीं कर पाएंगे अगर आपको कोई फॉल्ट कोड आ रहा है तो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इस वीडियो को देख के पूरा काम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।